जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ चैप्टर 17 का टेक्स्ट 4 में शेयर करना चाहूंगा। मैन इन द मोड ऑफ गुडनेस वर्शिप द डेमिगॉड, दोज इन द मोड ऑफ पैशन वर्शिप द डीमंस, एंड दोज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस वर्शिप घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने हमें यहाँ समझाया है कि सबके गुणों के हिसाब से सब अलग अलग पावर्स की पूजा करते हैं। जिन लोगों के अंदर सात्विक गुण बढ़ जाता है वो देवियों और देवताओं की पूजा करेंगे, जिन लोगों के अंदर राजसिक गुण यानी कि मोड ऑफ पैशन बढ़ा हुआ होता है वो राक्षसों की पूजा करते हैं। राक्षस मतलब सिंपल शब्दों में जो असुरी होते हैं लोग, फॉर एग्जाम्पल रावण और हिरण्यकश्यपु का तो आपको उदाहरण याद ही होगा। तो बहुत सारे लोग रावण और हिरण्यकश्यपु की भी पूजा किया करते थे, बिकॉज वो उस समय के बहुत वेल्दी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग थे। तो अगर कोई ये ना देखे कि कोई किस तरह से जीवन जीता है, अगर किसी इंडिविजुअल ने गलत तरह से भी बुरे काम करके पैसा इकट्ठा कर लिया, पावर इकट्ठी कर ली है, अगर उसको लोग पूजना शुरू कर दें, फॉलो करना शुरू कर दें, जैसा हमने देखा है समाज में ऐसा होता है, तो वैसे लोग जो होते हैं उनकी श्रद्धा जो होती है वो राजसिक होती है। और फ्रेंड्स, तामसिक श्रद्धा में लोग क्या करते हैं, जैसे हमने देखा है कि लोग शमशान घाटों में अघोरी बाबा होते हैं या भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं, कई लोग काला जादू में विश्वास करते हैं, ब्लैक मैजिक, इस भावना से पूजा करते हैं कि किसी और को नुकसान पहुंचा सके। तो इस तरह से जो पूजा कर रहे हैं वो तामसिक हैं और वो भूत प्रेत घोस्ट एंड स्पिरिट्स की पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हम ये समझ सकते हैं कि देखिए इतनी वैरायटी है, सभी लोग लग तो रहा है कि पूजा कर रहे हैं लेकिन इतना अलग अलग लग रहा है, तो ये किसी भी नव साधक को कंफ्यूज कर सकता है कि भाई अगर सब पूजा कर रहे हैं तो इतना अलग अलग क्यों है। फ्रेंड्स, तामसिक प्रवृत्ति वाला भूत प्रेत की पूजा करेगा, राजसिक प्रवृत्ति वाला बेसिकली राक्षसों की पूजा करेगा, और जो सात्विक प्रवृत्ति वाला है वो देवी और देवताओं की पूजा करेगा। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।